वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। आज भी इडियम्स एंड फ्रेजेस लेक्चर में हम पांच को कंप्लीट कर जाएंगे। आज का पहला है नोडिंग एक्वाइटेंस, हिंदी बहुत कम जान पहचान। दूसरा ओपन क्वेश्चन, उलझा हुआ विषय। तीसरा क्वियर फिश, विचित्र आदमी। क्विजोटिक प्रोजेक्ट, हास्यास्पद योजना। एंड द लास्ट इज अ रोप ऑफ सैंड, आसानी से टूटने वाला बंधन। आपने पांचों को देख लिया। जिसके बारे में आप नहीं जानते हो ध्यान से देखिएगा, जिसके बारे में जानते हो उसे भी देखिएगा। बिल्कुल याद हो जाना चाहिए पांचों लास्ट में। नोडिंग एक्वाइटेंस, आप एक वर्ड जानते हैं नोड। नोड मतलब होता है सहमति देना, और सहमति देने में हम क्या करते हैं, सर हिलाते हैं। सर हिलाना सहमति के रूप में, इसको बोलते हैं नोड। नोड से ही नोडिंग बना है। एक्वाइटेंस इसको पढ़ते हैं ए क्वाइन, एक्वाइन और फिर टेंस, एक्वाइंटेंस। एक्वाइंटेंस मतलब होता है परिचय, और एक्वाइंटेंस के साथ हमेशा एक प्रीपोजिशन आता है, वह है विद। ये ध्यान रखिएगा आप, एक्स्ट्रा जानकारी है। तो नोडिंग एक्वाइंटेंस हो गया, इसका मतलब हो गया कि बहुत कम जान पहचान। पहचान तो आ रहा है, यह एक फ्रेज हो गया, बहुत कम जान पहचान। मतलब खाली जब पूछा जाए कि दो आदमी से पहचानते हो, तो एक दूसरे को बोले हाँ हाँ पहचानते हैं, अधिक जानते नहीं हैं, तो उसको बोलते हैं नोडिंग एक्वाइटेंस। एक्चुअली एक्वाइंटेंस, नोडिंग एक्वाइंटेंस, बहुत कम जान पहचान। जैसे एग्जांपल है, राम हैज नोडिंग एक्वाइंटेंस, राम को बहुत कम जान पहचान है विद सीमा, सीमा के साथ। राम को सीमा के साथ बहुत कम जान पहचान है। इस तरह से नोडिंग एक्वाइंटेंस खत्म हुआ। जब पूरे खत्म कर लेंगे तो आप लोग से पूछूंगा कि पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, आप अपने मन से बताइएगा। पहला तो हो गया नोडिंग एक्वाइंटेंस, ए फ्रेज हो गया, बहुत कम जान पहचान, इसकी हिंदी हो गई। नाउ ओपन क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन की हिंदी होती है उलझा हुआ विषय। क्वेश्चन का मतलब तो विषय मान लीजिए, विषय, और विषय क्या है, ओपन है। ओपन मतलब खुला हुआ है। खुला हुआ है क्या मतलब कि इस पर विचार विमर्श चल रहा है, इस पर विचार विमर्श चल रहा है, और हम किसी उपाय पे, हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यह जो ओपन क्वेश्चन है, यह उलझा हुआ विषय है, यह भी इसका हिंदी कह सकते हैं। तो इस तरह से यह भी एक फ्रेज हो गया ओपन क्वेश्चन, और हिंदी हो गया उलझा हुआ विषय। जैसे हम जानते हैं कि हमारे कश्मीर का एक भाग पाकिस्तान के पास है, जिसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके कहते हैं, और हमारी सरकार, हम सभी चाहते हैं कि हमारे देश का जो ये हिस्सा है हम में शामिल हो जाए, लेकिन इसके लिए बहुत कुछ करना है। कैसे करना है, कैसे शामिल करना है, इस पर सरकार बहुत सालों से विचार कर रही है, और अभी भी विचार चल रहा है। यह मुद्दा अभी भी एक ओपन क्वेश्चन है, उलझा हुआ विषय है। तो इसी को यूज किया है, आप आराम से समझ गए होंगे। इसीलिए पीओके इज अन ओपन क्वेश्चन, पीओके एक उलझा हुआ विषय है फॉर आर नेशन, हमारे राष्ट्र के लिए। तो पहला हो गया है नोडिंग एक्वाइंटेंस, बहुत कम जान पहचान, देन ओपन क्वेश्चन भी कर दिया। नाउ क्वियर फिश, क्वियर को इसको लिख देता हूं, क्वियर, क्वियर का मतलब होता है विचित्र। फिश का मतलब फिश, फिश का मतलब मछली नहीं, विचित्र। क्वियर फिश हो गया, यह यहाँ हो गया विचित्र आदमी हिंदी। जैसे आप बोलते हैं फिश मार्केट मत बनाओ, हाँ फिश मार्केट,
जहाँ पे मछली बिकती है, मछली बाजार, वहाँ बहुत हल्ला गुल्ला होता है। जब क्लासरूम में पढ़ते हैं तो टीचर बोलते हैं डोंट मेक इट फिश मार्केट। फिर आप एक और सुने होंगे कहावत कि एक सरी मछली सबको खराब कर देती है। तो वो तो हम सबके लिए होता है ना, तो वो मछली से हम मछली के लिए खाली नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसको पर्सनलाइज करके मानव के लिए कर रहे हैं, आदमी के लिए कर रहे हैं। तो जो विचित्र आदमी होते हैं उनको बोलते हैं क्वियर फिश। विचित्र आदमी कैसे होते हैं, जैसे आप जानते हैं कि आप जब पढ़ते हैं क्लासरूम्स में तो आपके लिए स्कूल ड्रेस होता है, तो कोई बच्चा स्कूल ड्रेस न पहन कर हैंकी पैंकी कुछ पहन कर आ जाए तो आप सबके बीच वो क्या होगा, वह एक विचित्र आदमी होगा और इंग्लिश में उसे कहेंगे क्वियर फिश। कुछ लोग होते हैं जिनकी आदतें अजीब अजीब सी होती है, जैसे किसी के एक आंख बंद होता है खुलता है, बंद होता है खुलता है, ऑटोमेटिक होता है। अब उसके साथ आपको रहना बहुत मुश्किल होता है, वह आपके लिए क्या होगा, क्वियर फिश होगा। कुछ लोग होते हैं कि पार्टिकुलर शब्द को है ना ऐसे कुछ शब्द होता है, बार बार शुरू में अंत में बोलेंगे, अब आप सुनते ही ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा, वह आपके लिए कैसा आदमी होगा, क्वियर फिश होगा, विचित्र आदमी होगा। बहुत कुछ बोल दिया है। अ पर्सन ऑफ ऑड हैबिट्स, इसी को इंग्लिश में लिख दिया, अ पर्सन ऑफ ऑड हैबिट्स, ऑड मतलब विचित्र, विचित्र आदमी, आदतों वाला आदमी इज नोन एज विचित्र आदमी, क्वियर फिश, उसे क्वियर फिश कहते हैं, जिसकी आदतें ऑड होती हैं, सबके जैसी नहीं होती हैं, अलग अलग सी होती हैं, बोलते हैं क्वियर फिश। तो तीन हो गया, नोडिंग एक्वाइटेंस, ओपन क्वेश्चन एंड दिस क्वियर फिश। नाउ कम्स द फोर्थ वन, दैट इज क्यूजोटिक प्रोजेक्ट। इसको कैसे पढ़ेंगे, क्वी क्वी एक्स ओ जो टिक। अब प्रोजेक्ट तो पढ़ने आता है, क्यूजोटिक प्रोजेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, काल्पनिक, इसका हो जाएगा काल्पनिक हिंदी। तो काल्पनिक प्रोजेक्ट, हास्यास्पद योजना। इट इज अनवाइज, यह बुद्धिमता नहीं है। अनवाइज मतलब बुद्धिमता, अनवाइज मतलब वाइज मतलब बुद्धिमता, अनवाइज मतलब बुद्धिमता नहीं, यह बुद्धिमता नहीं है टू इन्वेस्ट मनी, पैसा लगाना इन हीज क्यूजोटिक प्रोजेक्ट, उसके काल्पनिक योजना में, उसके काल्पनिक योजना में पैसा लगाना बुद्धिमता नहीं है। यह हो गया क्यूजोटिक प्रोजेक्ट का। क्यूजोटिक क्यूजोटिक दो तीन बार बोल करना अपने जबान को ट्रेन कर लेना चाहिए हमें। तो यह हास्यास्पद योजना हो गई। नाउ अ रोप ऑफ सैंड, रोप ऑफ सैंड आप समझते हैं, बालू का रोप, रोप मतलब रस्सी, बालू की रस्सी तो बन ही नहीं सकती है, बना भी दिया तो वो अर नहीं सकती है, मतलब टूट जाएगी जल्दी सी, तो इसको बोलते हैं आसानी से टूटने वाला बंधन। और रोप ऑफ सैंड मतलब आसानी से टूटने वाला बंधन, आप बहुत ही आसानी समझ गए होंगे इसको। तो इंडिया एंड पाकिस्तान आर टाइड टूगेदर विद अ रोप ऑफ सैंड, इंडिया और पाकिस्तान आर टायर टुगेदर, एक साथ बंधे हुए हैं, भारत और पाकिस्तान एक साथ बंधे हुए हैं विद अ रोप ऑफ सैंड, अ रोप ऑफ सैंड की हिंदी आसानी से टूटने वाले बंधन, विद से आसानी से टूटने वाले बंधन से इंडिया और पाकिस्तान एक साथ बंधे हुए हैं, इसे हमने कहा रोप, अ रोप ऑफ सैंड। तो इस तरह से पांच idioms and phrases हमने कंप्लीट किया, नोटिंग एक्वाइटेंस, ओपन क्वेश्चन, क्वियर फिश, क्यूजोटिक प्रोजेक्ट एंड रोप ऑफ सैंड। आप अगर बोलना चाहेंगे तो कोशिश करिए, एक नंबर था नोडिंग एक्वाइटेंस मतलब बहुत कम जान पहचान, दूसरा था ओपन क्वेश्चन उलझा हुआ विषय, तीसरा क्यूअर फिश मतलब विचित्र आदमी, चौथा क्यूजोटिक प्रोजेक्ट हास्यास्पद योजना एंड लास्ट अ रोप ऑफ सैंड आसानी से टूटने वाला बंधन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।